अक्सर बच्चे बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन में फंस जाते हैं। क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में जब बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पूछा जाए? बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करने के लिए एक पॉइंट ध्यान रखें बच्चों, इससे काम हो जाएगा। पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो बेटा, BF3 का बॉन्ड एंगल CH4 से ज्यादा होगा, SP2 में 120 डिग्री आता है और SP3 में 109 डिग्री। अगला चेक करना अपने को टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे बच्चों CH4 में बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू क्या बेटा NH3, क्योंकि वहां 4 सिग्मा बॉन्ड है, यहां पे एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड है, दोनों SP3 है लेकिन लोन पेयर धक्का मारेगा। उसके बाद अपने को जाना है नेचर ऑफ सेंट्रल एटम ऑब्लिक सराउंडिंग एटम पे, क्लियर। और लास्ट बेटा बेंड्स रूल, लास्ट रहेगा बेंड्स रूल, क्लियर। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या रखा हुआ है, इनमें बेटा स्टार्टिंग के दो फैक्टर सेम है, यहाँ पे सेंट्रल एटम का छोटा साइज है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे और बड़ा है। बेटा यहाँ पे बॉन्ड पास पास जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में लग जाएगा ज्यादा रिपल्सन, क्योंकि साइज छोटा है, यहाँ पे कम रिपल्सन लगेगा और यहाँ पे और कम रिपल्सन लगेगा, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर जाएगा बच्चों कुछ ऐसा। इस टाइप के आपको वीडियो और चाहिए तो आज स्पेशल में मैंने क्लास रखी दोपहर 12 बजे से, आप जाके देख सकते हैं। AC स्टार कोड यूज करके एनरोल कर लें क्लास के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वो क्लासेस। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।